Welcome to SGPC. Today we have inaugurated various classes. One of them is jewellery design making. That is basically for students who wants to venture in the field of jewellery design. Today we have our guest of honor, Bharti Ben Shah from BR Designs. She will tell what is the importance of jewellery designing in jewellery in the life of a human being. Bharti ji, please. Ashavin, aaj apno topic chhe ane apne je સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ એ બહુ સારું છે ફોર લેડીઝ અને ફોર મતલબ ગાઈઝ ઓલ્સો. સ્ટુડન્ટ્સ ને આમાં મતલબ મેં આપકો હિન્દી મેં બતા દેતી હું તો સબકો લિયે અચ્છા રહેગા. તો જ્વેલરી એસા ફીલ્ડ હૈ મતલબ ફોર લેડીઝ કે લિયે આપ ઘર સે ભી કર સકતે હો ઓર બહાર ભી કર સકતે હો. ઓર જ્વેલરી ડિઝાઇન્સ મેં આપ ખાસ આપકો એક પોઈન્ટ દેતી હું. आप मैन्युअली डिजाइन सिखाइए लेकिन आज मैन्युअली का जमाना नहीं है. पूरा डिजाइनिंग कैड पे और मैट्रिक्स पे चलता है. काफी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं. तो आप प्लीज उसके अंदर मैट्रिक्स और कैड का जो राइनो फील आता है वो कराना. उसी में से वो होता है कि जो ज्वेलरी अपनी बनती है वो कैसी दिखेगी ऑन द स्पॉट. आप मॉडल पे भी वो चीज दिखा सकते हो कि क्या लगेगा. कभी कभी छोटी डिजाइन से पूरा ब्राइडल सेट बनाना है तो पूरा मॉडल पे आप पूरा ही लगा के आप दिखा सकते हो. तो मेरा एक आपको ये है कि आप इसी में बच्चों को ज्यादा बताना. और मैनुअल में मतलब काफी बच्चे आते हैं बहुत सारी जगह से. 3-3 साल का कोर्स किया होता है फिर भी जब स्टार्टिंग में उसके सिर्फ देखते हैं तो मुझे इतना दुख होता है कि उन्होंने इतने सारे पैसे लगाए फिर भी उनको कुछ नहीं आता. तो वो पर्टिकुलर थोड़ा सा ध्यान रखना. और इसी के लिए हमारी कोई भी आपको हेल्प चाहिए कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो मोस्ट वेलकम. मैं हमेशा तैयार हूँ. थैंक यू फॉर कॉलिंग. अंकित जी जेडीआई से हैं जो कि यहाँ पे ज्वेलरी डिजाइन स्टूडेंट्स को सिखाएंगे. अंकित जी आप थोड़ा सा इस विषय में. जरूर. हाय दोस्तों, मैं अंकित भोजक हूँ. ज्वेलरी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट एक मेरा इनिशिएटिव है. इसको मैंने शुरू वुमेन्स को केंद्र में रख के किया है. आई एम रियली फोकसिंग ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट. आई वॉन्ट एवरी गर्ल एवरी हाउस वाइफ एवरी मॉम एवरी लेडी टू बी वेरी एम्पावर्ड एंड टू आई वॉन्ट देम टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी अनमैरिड गर्ल जब शादी करके अपने दूसरे घर में जाएगी तो सिर्फ उसका किचन ही उसका किचन या उसकी चार दीवारें ही उसकी टेरिटरी बन जाए. तो ये ख्याल को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे मैं वुमन को एम्पावर करना चाहता हूँ. इसमें भी दो तरीके हैं जिसमें लेडीज जो है वो एंड गर्ल्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक बार आपको इस तरीके की ज्वेलरी डिजाइनिंग के जो कोर्स अगर आपने सीख लिए हैं देन एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है. आइदर यू कैन डू द जॉब, आप जॉब कर सकते हैं, फिक्स टाइमिंग में आप काम कर सकते हैं, फिक्स सैलरी आपको मिल सकती है. और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट और जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम विच इज अ फ्रीलांसिंग. कई बार हम लोग देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड फैमिलीज भी होती हैं जहाँ पे गर्ल्स के पास में या लेडीज के पास में इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है कि जो बाहर जाके जॉब कर पाए. वो रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी की वजह से हो सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन बच्चों की वजह से हो सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन पढ़ाई की वजह से हो सकते हैं, किसी चीज की भी वजह से हो सकते हैं. तो इन सारे रिस्ट्रिक्शनों को तोड़ के भी हम इस तरीके की ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स सीखने के बाद में एम्प्लॉयबिलिटी ले सकते हैं. कैसे कि फ्रीलांसिंग काम ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप घर पे लाइब्रेरी पे फ्रेंड्स की शॉप पे क्लासरूम में कहीं पे भी बैठ के आप ज्वेलरी डिजाइनिंग बनाइए. एक प्लेन पेपर पे ज्वेलरी डिजाइनिंग बनाइए, जो करंट कंसेप्ट चल रहे हैं, जो आपकी इमेजिनेशन है उसको आप पेपर पे उतारिए और बस वही डिजाइन को आपको ज्वेलर्स तक और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाने हैं. एंड दैट्स इट. जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो ज्वेलर्स आपकी डिजाइन को परखेंगे, उनको जो जो भी डिजाइन पसंद है उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे और पर डिजाइन का जो रेट है वो आपको मिल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट. और जब हमें SGPC जैसा सदर्न गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे ऑथेंटिकेट स्टडीज के साथ साथ में आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम गर्ल्स एंड लेडीज इसमें पार्टिसिपेट करें, यही मेरी इच्छा है. और इसमें मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी है कि
प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है उसमें बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सराउंडिंग में जितने भी सूरत की गर्ल्स एंड लेडीज हैं, वो चाहे टीनएजर्स हो सकते हैं, वो एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, वो पार्टिसिपेट करें। वो सिर्फ 3 या 4 महीने का कोर्स होता है अगर आप मैनुअल में जाए। एक बार मैनुअल का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, इट्स अ लेवल 2, वो कैड होता है, कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनिंग। जैसे मैम ने बताया कि जैसे ही आप कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनिंग पे जाओगे, कंप्यूटराइज डिजाइनिंग खुद बनाओगे, तो मैनुअल में जो आप कमा सकते हो उससे 1.5 गुना या 2 गुना आप एब्सोल्युटली कैड में कमा सकते हो। एंड अगेन मैनुअल एंड कैड दोनों की दोनों चीजें आप घर पे बैठ के कर सकते हो बीइंग अ फ्रीलांसर। तो इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयबिलिटीज को कंसिडर करते हुए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी श्रोता है उन लोगों से कि आप सदर्न गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो सूरत में बहुमाली के जस्ट पीछे है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक के जस्ट बाजू में है, वहां पे 3rd फ्लोर पे एक बार अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आना चाहें तो प्लीज आइए, इसके बारे में इंक्वायरी करिए और मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े और हम लोगों की पूरी चेन बने, मैं यही चाहता हूँ। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच बीच में, कभी भी आप 2 घंटे आ सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग हम लोगों ने डिसाइड किया है, तो हम दोनों माँ बच्चों को साथ में बुलाएंगे और साथ में 20 घंटे का कोर्स रहेगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स के बारे में अरविंद भाई बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट तो होगा, बट कैसे करेंगे रजिस्टर? यहाँ पे फोन नंबर या ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? फोन नंबर रहेगा 9898991388। वंस अगेन आई रिपीट, 9898991388। इस नंबर पे आप फोन करेंगे 10 से 5 के बीच में तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दूसरे कोर्सेज की भी माहिती ले सकते हैं। एक हम यूनिक कोर्स और चालू कर रहे हैं जिसमें कि हम एक कंप्यूटर लैंग्वेजेस अप टू पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जो कि फ्यूचर है, तो सूरत क्यों पीछे रहे। तो हम यहाँ पर जो कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी NIT और IIT लेवल में सिखाए जाते हैं, वो लेवल के कोर्सेज को हम किसी के साथ में टाई अप, IIHT करके संस्था है उसके साथ में टाई अप करके हम वो कोर्स चालू करने जा रहे हैं। अब मैं एक ज्वेलरी के में कहना चाहूंगी कि ज्वेलरी बहुत अच्छा कोर्स है डिजाइनिंग का, जो इंडियन मेंटालिटी है, तो जो लड़की है या वाइफ है या हाउस वूमन है वो अपना घर भी संभाल सकती है और ये काम भी कर सकती है और सबको एडजस्ट करके कर सकती है। तो प्लीज ज्वेलरी की फील्ड में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, आप कमा भी सकते हो, आपके बच्चे भी संभाल सकते हो, हाउस भी संभाल सकते हो। इसमें कौन कौन पार्ट मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? कोई भी करवा सकता है या आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकता है? ऐसा कुछ डिजाइनिंग में तो डिजाइन इट्सेल्फ इज अ लैंग्वेज, जो आपके अंदर जो शक्ति पड़ी है बस उसको निकालो। डिजाइनिंग आप पेपर पे लाओगे, पेपर पे लाके आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया, उससे आगे फिर आप खुद सोचोगे आपके अंदर जो जो है इट्स अ गॉड गिफ्ट, वो अपने आप पेपर पे बाहर आए। हम लोग इससे आगे का एक विचार रख रहे हैं कि जब अगर हमारा एक शक्ति पर्व जो आज हमने मनाया है उसका शक्ति का एक ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप में अगर हम सकेंगे तो एक रंगोली कॉम्पिटिशन रखने का विचार रहे हैं। रंगोली कंपटीशन के थ्रू हो सकता है कि ज्वेलरी डिजाइन में एक अलग रिवॉल्यूशन आ सके, इवन फैब्रिक डिजाइनिंग में। अरविंद प्लीज, उसे फिर एक्सपोर्ट भी कर देंगे। साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल नोन एज SGPC, इसमें हम लोग गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी। तो SGPC आज हमारा 44th एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लास शुरू हो रहा है और अभी तक जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लासेस किए हैं उसमें लास्ट ईयर ही हमारे एनर्जी एक्सपो के टाइम पर इन लोगों को साथ में इकट्ठा किया था, तो हम लोग ने देखा है कि दे हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन देयर ओन फील्ड इन एक्सपोर्ट। कितने लोग ने अपना एक्सपोर्ट हाउस बना लिया है, कितने लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाउस में काम कर रहे हैं, कितने कंसल्टिंग कर रहे हैं, और हमारे जो फैकल्टी है महेंद्र खरे हिमसेल्फ इज अ कंसल्टेंट, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है वो भी वो दिखा सकते हैं। और जब बच्चा पढ़ के तैयार होता है द स्टूडेंट, तो उसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपना जो अदानी पोर्ट है वहाँ ले जाके भी उसको ट्रेनिंग देते हैं या बॉम्बे के पोर्ट पर भी ले जाते हैं, अलग अलग पोर्ट्स की विजिट करा के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम इसके साथ में देते हैं। और जब आज के हमारे जो उद्घाटन में दूसरे जो क्लासेस है, जैसे मशरूम का है, टेरेस गार्डनिंग का है,
आज पर्यावरण को मद्देनजर टेरेस गार्डनिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और लोग को जो ऐसे स्पेशल एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ता है, गार्डनिंग ऐसी चीज है जिसमें अपने आप एक एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में पर्यावरण को भी बचा सकते हैं अपने अच्छे। जैसे कि हमारे अभी के जो SGPC के प्रेसिडेंट जो मेरे फ्रेंड है, उसकी फैक्ट्री और उसके बंगलों के ऊपर पूरी सब्जी और प्लांट लगा है और उसकी वाइफ जो है मोस्ट प्रोबेबली वेजिटेबल्स अपने घर की खाते हैं। और उसके अलावा जो टीज और अलग अलग जो प्लांटेशन है, ग्रीन टी भी अपने टेरेस पर बनी है, उससे वो ग्रीन टी बना के पीते हैं। मतलब कहने का क्या है, अभी ये जमाना ऐसा है हेल्थ कॉन्शियसनेस की जब बात कर रहे हैं, तो टेरेस गार्डनिंग कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आप खुद जब काम कर रहे हैं, जैसे वो सुबह में अपने MLA ने बताया कि मेरी मदर